हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये मेकअप लुक। तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करती हूँ, तो मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ ग्रीन टी का प्लम मॉइस्चराइज़र। ये मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब ये आपके फेस को मैटिफाई लुक देगा और आपके मेकअप को काफ़ी समय के लिए आपके फेस पर रखेगा। अब फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन शेड नंबर 128, और इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी, बिल्कुल इस तरह। अब प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओरिफ्लेम का द वन का प्राइमर। ये दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी हैं, मीन्स इतनी लाइट वेटेड हैं, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती हैं और आप काफ़ी समय के लिए आपके फेस पे टिकी भी रहती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने पूरे फेस पे इसे ब्लेंड कर दूँगी और कितनी ईजिली ये अपने फेस पे ब्लेंड हो रही हैं। तो अब यहाँ बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मेबलिन का एज रिवाइंडर कंसीलर। इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बहुत हल्के हाथ से, बहुत नॉर्मल अमाउंट में मैं इसे यहाँ पे अपने फेस पे लगाऊँगी अपने फेस को डेफिनेशन देने के लिए, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। हम ये सारी चीज़ें बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे, रब नहीं करके हुए, सिर्फ डैप करके ब्लेंड करेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारे फेस पे ब्लेंड हो जाएंगी, तब हम इसे कॉम्पैक्ट के हेल्प से अच्छे से मैटिफाई लुक दे देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो को फिल करने के लिए सबसे पहले मैंने कॉम कर लूँगी, और कॉम करने के बाद मैं अपनी फ्रीडम पैलेट में से ये ग्रे एंड ब्लैक शेड लूँगी, और देखिए बिल्कुल इस तरह मैं फिल करना स्टार्ट करूँगी। फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एंगल ब्रश। बेसिकली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रश है अपने आईब्रोज़ को, मतलब फिल करने के लिए। तो बिल्कुल इस तरीके से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। सबसे पहले बॉर्डर फिल करूँगी, देन मैं इनर फिल करूँगी। जब हमारे आईब्रोज अच्छे से फिल हो जाएंगी, देन मैं यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और फ्रीडम पैलेट में से ये वाइट शेड लेके एक अच्छे से बेस क्रिएट करूँगी अपनी आईज़ पे, बिल्कुल इस तरह। अब सेम ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैंने लिया है ब्राउन शेड, और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं ब्लेंडिंग कोई सेमी सर्कल उसमें नहीं करूँ, मूवमेंट में नहीं करूँगी। यहाँ मैं इनर टू आउटर, आउटर टू इनर कॉर्नर पे अपने ब्रश को मूव करूँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ मैं ले रही हूँ ये ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, मीन्स ये कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब मैंने इसे अपनी क्रीज लाइन पे लगाया तो इतना ब्यूटीफुल लुक निकल कर आया, सीरियसली फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ब्रश, मतलब या फिर सेम मतलब मेकअप आप यूज़ करें, आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और डिफरेंट पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये लाइट ग्रीन शेड, और इसमें हल्का सा शिमर मिक्स है, और इसे मैं यूज़ करते हुए सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखिए, और हल्के हाथ से मैं अपना ये इन बिटवीन जो स्पेस था, इसे भी फिल करती जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ली है SFR की ग्लिटर पैलेट। इसमें से मैं ये ले रही हूँ ग्रीन कलर, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस ग्लिटर को यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये प्रेस ग्लिटर है, मीन्स इसके लिए आपको कोई भी ग्लू या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे ब्रश से नहीं लग रहे हैं तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी इसे लगा सकते हैं, मतलब ईजिली आपको सिर्फ प्रेस करना है ग्लिटर को, ये आपके फिंगर पे आ जाएगा, और डैप करते हुए आप अपने आईज पे इसे लगा सकते हैं। ये ईजिली आपको लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सेम ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, और ये लाइट ग्रीन शेड लेके मैं सारे कलर्स को एंड ग्लिटर एरिए को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेम ग्रीन कलर, और अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस करूँगी इस शेड की हेल्प से। देखिए बिल्कुल इस तरह।
अब मैं यहाँ पे काजल ले रही हूँ। काजल के लिए मैंने यहाँ पे लिया एन एंड ब्लू का काजल और ये बहुत बहुत अच्छा काजल है, मीन्स पिगमेंटेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे आई थिंक यूफोरिया बॉक्स के अंदर मिला था। अब यहाँ पे मैंने लिया है फ्लैट ब्रश और सेम मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन शेड लिया है फ्रीडम पैलेट में से और यहाँ मैं अपनी काजल लाइन को अच्छे से स्मच कर लूँगी। अब आती है यहाँ पे लाइनर की बारी। तो लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओरिफ्लेम का वेरीमी का लाइनर। इससे हम यहाँ पे लार्ज विंग लाइनर क्रिएट करेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह। हम यहाँ पे आउटर साइड पे ब्रॉड विंग क्रिएट करेंगे और इनर साइड को बिल्कुल थिन लाइन देंगे। अब यहाँ मैं ले रही हूँ स्टेक वर्की का ग्रीन लाइनर। बेसिकली ये लाइनर्स काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, ब्लू, कॉपर शेड, गोल्डन शेड, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, और ये बहुत अच्छे लाइनर्स हैं, बहुत रीजनेबल हैं, मतलब आपको ईजिली purple.com पे ईजिली आपको मिल जाएंगे ये। और इसे मैं यहाँ पे अपने लोअर काजल लाइनर पे इसे लगाऊंगी। अब फेस के साथ साथ लिप मॉइस्चराइज करनी भी बहुत ज़रूरी है, तो लिप्स के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ओरिफ्लेम का लिप बाम। अब यहाँ पे मैं करूँगी अपने फेस को बेक। तो बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिया है ये एंगल्ड ब्यूटी ब्लेंडर और वाइट टोन का लूज पाउडर। इसे मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे निकाल लूँगी, हैंड पे, और इस एंगल्ड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को डेफिनेशन देनी है वहाँ वहाँ मैं इसे लगा लूँगी डैप करते हुए, देखिए। और जब हम इसे अपने फेस पे लगा लेंगे तो इसे थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ रेस्ट मोड पे छोड़ देंगे। तब तक हम अपने फेस को करते हैं कॉन्टोर। तो कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिस रोज़ का प्रोफेशनल मेकअप 2-in-1, मतलब इसके अंदर मुझे कॉन्टोर शेड भी मिलता है, हाइलाइटर शेड भी मिलता है। तो मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से यहाँ पे कॉन्टोरिंग शेड लिया है और देखिए मैं बिल्कुल इस तरीके से अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। यहाँ पे मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी, मतलब नोज़ को एक परफेक्टली शार्प शेप दूँगी। अब ब्लशर के लिए मैंने कोई स्पेशल ब्लशर पैलेट नहीं ली है, फ्रीडम पैलेट में से ही मैंने कोरल शेड लिया है और बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ मैं लगाऊंगी। अब सेम ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस पे जो एक्स्ट्रा मैंने पाउडर लगाया था बेकिंग करने के लिए इसे मैं हटा दूंगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैटिफाइड लुक निकल कर आया है, मतलब पूरे फेस को अच्छे से डेफिनेशन मिल चुकी है। अब हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे सेम मिस रोज़ की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी शिमर नहीं है, बहुत ही फाइन, मतलब इसके अंदर आपको मिलेगा तो शिमर मिलेगा, अदरवाइज आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर मिलने वाला है। अब से मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने यूज़ करी है फॉल्स लैशेस और अब आती है लिप्स की बारी। तो लिप्स के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा है कलर्स क्वीन का लिप लाइनर इन द शेड L23 हॉट रेड। इसे मैं अपने पूरे लिप्स को अच्छे से आउटलाइन कर दूंगी और हल्के हाथ से फिल भी करूंगी। अब लिक्विड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट सी की क्विक ड्राई मैट लिप पिन और ये शेड मुझे मिला था यूफोरिया बॉक्स के अंदर। इस पर कोई शेड नंबर नहीं है तो ऐसे, बट ये बहुत ब्यूटीफुल बिल्कुल ब्लड रेड कलर है। अब जब ये ट्रेडिशनल लुक है तो बिंदी तो बनती है, तो यहाँ पे मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्रीन कलर की बिंदी यूज़ करी है। अब नोज पिन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम स्टोन की बिंदी और देखिए बिल्कुल इस तरीके का ब्यूटीफुल लुक निकल कर आया है। अब यहाँ पे मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का कोलोसा मस्कारा और इससे मैं अपनी लोअर एंड अपर लैशेस दोनों को परफेक्टली एकदम ब्यूटीफुल लुक दूंगी। अब अपने पूरे मेकअप को अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ग्लैम 21 का सेटिंग स्प्रे। इससे मेरा मेकअप काफ़ी अच्छे टाइम के लिए सेट रहेगा।
तो फाइनली ये मेकअप लुक निकल कर आया है। आई होप सो कि आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो और आप अपनी हरियाली तेज फेसेस ज़रूर कैरी करें। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।